मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ से पूर्व विधायक और कांग्रेस प्रत्याशी यादवेंद्र सिंह बुंदेला के आवास पर आज असम और मध्य प्रदेश पुलिस ने छापेमारी की है। शुरुआती जानकारी में सामने आया है कि धोखाधड़ी के मामले में असम की एक अदालत के आदेश पर यह कार्रवाई की गई है। असम पुलिस के अधिकारी यादवेंद्र सिंह बुंदेला और उनके परिजनों से पूछताछ कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी ने अपनी पहली सूची में टीकमगढ़ से यादवेंद्र सिंह बुंदेला को प्रत्याशी बनाया है। सूची जारी होने के 3 दिन बाद ही कांग्रेस प्रत्याशी के घर पुलिस का छापा पड़ा है। ये आसाम कोर्ट के एक सर्च वारंट का कंप्लायंस हो रहा है और उसमें आसाम पुलिस आई है और उस सर्च वारंट की कंप्लायंस की जा रही है। अभी सर्च हो रहा है, फिर जो आसाम टीम आएगी वो आपको सारी चीज़ें क्लियर करेगी, क्या है क्या है सारी चीज़ें। तो माननीय न्यायालय का जो आदेश होता है उसका पालन कराना हमारा काम होता है, हम वही करा रहे हैं। बिहार दौरे के दूसरे दिन राष्ट्रपति आज